धनतेरस एक ऐसा त्योहार है लक्ष्मी पूजा से कुछ दिन पहले ही आता है और धनतेरस पर कुछ झाड़ू के खास उपाय लेकर यदि आप अपने घर पर करते हैं तो आपके घर में सुख शांति हमेशा बने रहेगी। धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप धनतेरस पर महंगी वस्तुओं की ही खरीदारी करें, बल्कि आप धनत्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन झाड़ू भी खरीद सकते हैं। झाड़ू खरीदने से भी माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। लेकिन झाड़ू खरीदते समय आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, तो आइए जानते धनतेरस पर झाड़ू खरीदते समय किन गलतियों से बचना चाहिए, नहीं जानते हैं झाड़ू के विषय में 7 पॉइंट। पहले पॉइंट है कि धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो दिन के समय में झाड़ू न खरीदे बल्कि शाम के समय झाड़ू खरीदे। दरअसल धनतेरस के दिन प्रदोष काल में ही झाड़ू की खरीदारी करना शुभ रहता है। दूसरा पॉइंट है कि धनतेरस के दिन जो झाड़ू आप खरीद कर लेकर आए उसे छिपाकर ऐसी जगह पर रख दें जहां किसी भी नजर न जाए। साथ ही इसका प्रयोग तुरंत न करें बल्कि दिवाली के बाद इस झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि झाड़ू पर पैर नहीं लगना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इसी के साथ जो झाड़ू आप धनतेरस के दिन खरीद कर लेकर आए उस पर दिवाली के दिन फूल और अक्षत डाल दें। इसके बाद देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे घर से दरिद्रता और नकारात्मकता चली जाए और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। चौथा पॉइंट है साथ ही इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि अपने घर की झाड़ू किसी को भी न दें। पांचवा पॉइंट है इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर आप दिवाली के आसपास घर मकान बदल रहे हैं तो वहां से निकलने से पहले झाड़ू जरूर लगाएं और अपनी झाड़ू साथ भी लेकर आएं। ऐसा करने से लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। छठवां पॉइंट है धनतेरस पर झाड़ू खरीद रहे हैं और वह इस्तेमाल के बाद छोटी हो जाए तो उसे जलाए या फेंके नहीं बल्कि भूमि में दबा दें या फिर जल में प्रवाहित कर दें। सातवां पॉइंट है कि इस बात का भी ख्याल रखें कि जो झाड़ू आप धनतेरस पर खरीद रहे हैं उसका इस्तेमाल घर के बाहर साफ सफाई में इस्तेमाल न करें, उसका प्रयोग घर के अंदर ही करें। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।